नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं कीर्ति। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है। अर्जुन सिंह चांद की लिखी ये लाइनें इस खबर पर बिल्कुल फिट बैठती हैं, क्योंकि हल्द्वानी में ना सिर्फ मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है बल्कि उनके खिलाफ एक साजिश भी रची जा रही है, जिसका खुलासा सोशल मीडिया के जरिए किया गया है, जिसने धामी सरकार को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जिन मुस्लिमों को पुलिस ने अपराधी बनाया है, वही मुस्लिम युवकों ने ही पुलिसकर्मियों की जान बचाई थी, जिसका वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है। जो बात मौलाना अरशद मदनी से लेकर ताकिर रजा ने कही, वो बात सच साबित हुई है, जिसका सबूत आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जिसे एक पत्रकार ने शेयर किया है, जिसमें एक तरफ एक मुस्लिम नौजवान को अपराधी बनाया गया, उसके पोस्टर चौराहों पर लगाए गए। वो पेशेवर कोई अपराधी नहीं है, यहां तक कि उसी नौजवान ने पुलिसकर्मियों को भीड़ से बचाकर बाहर लाया और उन्हें पानी तक पिलाया, ये तक की सारी मदद तक की, जिसकी तस्वीरें आप भी देख सकते हैं, जो हैरान कर देने वाली है। देखिए किस तरह से एक भले इंसान को अपराधी बना दिया गया। पानी पिला दो, सही है, थोड़ा पानी पिला दो। हाँ आ गया, मैं आ गया, बाहर अभी मत जाना, तुम्हें अभी बाहर मत जाओ, बीच में से फटा हुआ है। पानी थोड़ा चल जाएगा, पानी देखा आपने। इन तस्वीरों ने प्रशासन पर ही अब बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या इस देश में किसी की भी मदद करना गुनाह है? क्या कोई मुस्लिम चाहते हुए भी किसी की मदद नहीं कर सकता? आखिर क्यों जिसने पानी पिलाया उसी को अपराधी बना दिया गया? ऐसे कई सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। कई बड़े पत्रकारों ने प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। एक पत्रकार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हल्द्वानी पुलिस ने बनभूलपुरा दंगे में मौकीन सैफी को वांटेड बताया है, जबकि वही मौकीन घायल पुलिसकर्मी का इलाज करता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो हिंसा वाले दिन की है, जो अब वायरल हो रही है। आखिर क्या हकीकत है? पुलिस निष्पक्ष जांच करे। पुलिस को बिल्कुल निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, क्योंकि तस्वीरें तथ्य कभी झूठे नहीं होते। तो ये क्या तस्वीरें झूठ बोल रही हैं? हालांकि इस बीच हल्द्वानी के विधायक ने भी ऐसे खुलासे किए हैं जिसने धामी सरकार की नींद उड़ी हुई है। जिससे बता दें, एक ओर डीएम वंदना सिंह को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब निगम कमिश्नर भी सवालों के कटघरे में है। ऐसा दावा है कि निगम कमिश्नर का तबादला हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी वो हल्द्वानी में मस्जिद और मदरसे को तुड़वाने के दौरान मौजूद थे। इस बात की ज्यादा जानकारी देते हुए एक पत्रकार ने विधायक का वीडियो भी शेयर किया, जिसे आप भी देख सकते हैं। जो विभाग था उसने साफ बोला था कि ऐसे मत तोड़िएगा, आप ये SOP फॉलो करेंगे तो आप तोड़ सकते हैं, और अगर इनको इतनी जल्दी थी तोड़ने की तो इनको कर्फ्यू पहले ही लगा देना चाहिए था, या धारा 144। ये ऐसे अधिकारी तो है नहीं कि जो सेंसिटिविटी नहीं समझते, या ये 16 साल से तो पंकज उपाध्याय यहीं पे, तो ये तो प्रशासन का बहुत बड़ा फेलियर। पंकज उपाध्याय से जुड़ा सर मेरा एक सवाल है, बीच में मैं जोड़ना चाहूंगा, इनका ये जो अचानक से ट्रांसफर हुआ, ये जो कार्रवाई हुई उसके बाद वो इनका ट्रांसफर पहली हो गया था और ये बस रोके गए थे, क्योंकि जो दूसरा पोजीशन थी वो रिलीव नहीं हुई थी, जब वो रिलीव होती तब ये ज्वाइन करते, तो इसलिए इनका ट्रांसफर तो दो बारी हो चुका है। पहले एक अलग पद पे ट्रांसफर हुआ था और अब एक अलग पद पे ट्रांसफर हुआ है। लेकिन फिर भी जो भी है, ये भी पता लगा कि जिला पुलिस ने जिला प्रशासन से साफ मना करा कि हमारी तैयारी संपूर्ण नहीं है और हमें आज नहीं जाना चाहिए, तो जिला प्रशासन ने साफ, बिकॉज वो भी बहुत अहंकार में रहते हैं जिला प्रशासन, तो उन्होंने साफ बोला कि नहीं, आप नहीं चल रहे हैं तो हम BRD ले जाएंगे। अच्छा, तो फिर मतलब ये बहुत ही मतलब एक इनकी बेचैनी थी कि आज ही करना है। अब इन्हें तोड़ने का मन बना ही लिया था, तो मैं फिर से यही कहूंगा
कि ना कर्फ्यू पहले ही लगा देना चाहिए था। इस बारे में और ज्यादा जानकारी देते हुए लिखा है कि हल्द्वानी हिंसा के असल दोषी वहां का जिला प्रशासन और नगर निगम कमिश्नर पंकज उपाध्याय है, जिनकी हट धर्मी की वजह से हल्द्वानी हिंसा में 6 लोगों की मौत और सैकड़ों घायल हो चुके हैं। हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश ये काफी सीधा कहना है कि जब निगम कमिश्नर पंकज उपाध्याय का तबादला हो चुका था तो उनको मस्जिद को गिराने की ऐसी कौन सी जल्दी थी। पुलिस प्रशासन और इंटेलिजेंस की चेतावनी के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा आनन फानन में की गई इस कार्रवाई के बाद हुई हिंसा के लिए प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। एक और ट्वीट करते हुए लिखा है कि हल्द्वानी में जो फर्जी नैरेटिव मुसलमानों के खिलाफ बनाया था वो लगातार ध्वस्त होता जा रहा है। अब ये बात धीरे धीरे सिद्ध होती जा रही है कि हल्द्वानी हिंसा के पीछे किस तरीके से, यानी कि पूरी तरीके से वहां के स्थानीय प्रशासन की नाकामी थी। जिस आनन फानन में ये मस्जिद मदरसे को गिराया गया, जिस तरह की कार्रवाई हुई, उसमें सीधे तौर पर आता है कि प्रशासन की नाकामी ही हुई। एक यूजर ने तो सीधा सीधा डीएम पर सवाल दागते हुए लिखा है कि अब ये बात धीरे धीरे सिद्ध होती जा रही है कि हल्द्वानी हिंसा के पीछे पूरी तरीके से वहां के स्थानीय प्रशासन की नाकामी ही नहीं बल्कि ये दंगा प्रशासन द्वारा प्रायोजित दंगा है। डीएम वंदना सिंह प्रशासनिक अधिकारी की तरह नहीं बजरंग दल के अधिकारी की तरह काम की है। जिस तरह से हल्द्वानी प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं उसने धामी सरकार को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अब तो खबर है कि इस मामले की जांच कमिश्नर द्वारा की जाएगी। एक खबर के मुताबिक भनभूलपुरा दंगे की जांच कुमाऊं कमिश्नर दीपक यादव द्वारा की जा रही है, जिसमें घटना के दौरान मौजूद सभी पुलिस, नगर निगम और प्रशासन के अधिकारियों से भी पूछताछ की जाएगी और ये जांच पूरी निष्पक्षता के साथ होगी। उन्होंने बताया कि सभी अधिकारियों को उनके द्वारा नोटिस भेज दिए गए हैं और इस हफ्ते में उन सभी अधिकारियों से अलग अलग दिन पूछताछ होगी, उनसे लिखित जवाब भी मांगा जाएगा। उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए भी घटना से जुड़े साक्ष्य पेश करने की बात कही है, जिसके लिए उन्होंने मेल आईडी और फोन नंबर जारी किया है, लेकिन अभी तक उनके पास कोई भी व्यक्ति नहीं आया है। उन्होंने बताया कि उनके पास जो भी साक्ष्य, दस्तावेज या अन्य रूप में है, उसकी जटिलताओं को देखते हुए इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए थोड़ा समय और लग सकता है। बताते रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में द वायर की रिपोर्ट में भी चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। यहां तक की रिपोर्ट में ये भी दावा था कि जिस शख्स ने सबकी जान बचाई उसी को पुलिस ने सबसे ज्यादा परेशान किया। इतना ही नहीं, कई नाबालिग की भी गिरफ्तारी की बात सामने आई है। फिलहाल धीरे धीरे अब जिंदगी पटरी पर लौट रही है। अब आगे और क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से ये कार्रवाई हुई, जिस तरह से एक समुदाय को निशाना बनाया गया, और सबसे मेन बात ये थी कि अगर आप मस्जिद और मदरसा आप ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने जा रहे हैं तो आपको भी पता है कि उस जगह पर किस तरह का बवाल हो सकता है, कैसे स्थितियां जो है वो अनियंत्रित हो सकती हैं, किस तरह से परिस्थितियां बदल सकती हैं। उसके बावजूद सुरक्षा ना होना, जो एक तरीके से जो काम होना था वो तरीके से ना होना, दंगे का रूप ले लेना उस पर, और उसके बाद आप जो आपकी मदद करें, यानी कि जब वहां पर स्थितियां बिगड़ गई तो जिसने उन पुलिस कर्मियों की मदद करी जो भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, जो घायल हो रहे थे, उसके बावजूद उसी पर अपराधी होने का टैग लगा देना, उसी को अपराधी घोषित कर देना बिना किसी सबूतों के, बिना किसी चीज के, तो ये कहां का सच है? ये खुद इंसान को सोचना चाहिए। अब ये जो परिस्थितियां बन चुकी हैं जो हल्द्वानी हिंसा में हुआ, जिसमें निगर कमिश्नरेट सबको जो दोषी बताया जा रहा है, जिनका तबादला हो जाने के बावजूद भी वो इस घटनाक्रम में मौजूद थे, इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, ये सब कैसे हुआ, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कोर्ट को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।